हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। खास क्या है, क्या सिखाने वाला हूं, आइए आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हमको ओपन कर लेना, ये देखिए ओपन कर लिया है। और यहां पर एक नया डेटाबेस भी हमने ले लिया है और यहां पर देख सकते हैं टेबल वन अपने आप आ रहा है। तो यहां से हमें जाना है व्यू पर और यहां से डिजाइन व्यू पे इसको लेना है। अब ये टेबल वन है, हम इसको कोई और भी नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने नाम दे दिया यूनिट टेस्ट वन, ये लिख दिया मैंने यूनिट टेस्ट, या फिर क्लास का नाम लिख देते हैं, क्लास का नाम लिख देते हैं, ठीक है, क्लास कर देते हैं, क्लास 10, ये क्लास 10 कर दिया, यानी क्लास 10 के जो भी स्टूडेंट है उनकी डिटेल यहां आएगी, ठीक है। तो यहां पे करता हूं रोल नंबर, ठीक है, ये कर दिया रोल नंबर। और ये ऑटो नंबर है, आप चाहे तो इसको अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यहां से शॉर्ट टेक्स्ट रख सकते हैं। फिलहाल इसको मैं अभी ऑटो नंबर ही रखता हूं। और यहां पे नेम ऑफ स्टूडेंट कर देंगे, ये क्या करेंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट, तो ये लिख दिया नेम ऑफ स्टूडेंट। ये दो फील्ड हमने ले लिए फिलहाल। और अब यहां से व्यू पे क्लिक कर देते हैं, व्यू पे क्लिक कर दिया। ये व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इस तरीके का सिनेरियो दिखाई पड़ेगा। अब आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहला काम तो यहां पर कुछ नेम फिल कर लीजिए। जैसे मान लीजिए यहां पे राम फिल किया मैंने, फिर यहां पर आते हैं कुछ और फिल कर लेते हैं, यहां पे लिख देता हूं श्याम, फिर इसी तरीके से कोई भी नाम फिल कर लेते हैं, इसी तरीके से कोई भी नाम हम फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे चार पांच नाम हमने फिल कर दिए, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसको क्लोज कर देते हैं। दो फील्ड लिए हैं, नाम भी आप देख ही सकते हैं कौन कौन से नाम आए हुए हैं, ठीक है। अब इसको क्लोज करने की बारी है, तो इसको यहाँ से क्लोज कर दिया जाए। अब दूसरा टेबल हम बनाएंगे, तो यहाँ से क्रिएट पे जाएंगे, टेबल पे जाएंगे और फिर यहाँ पे दूसरा टेबल बना लेते हैं। तो ये क्या करता हूँ, क्लास 12 कर देता हूँ, क्लास 12, ठीक है। ये दो टेबल हमने कर लिया। अब यहाँ पे रोल नंबर यहाँ पर भी रहेगा, तो ये कर दिया रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर करने के बाद क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे तो यहां पर रखना है हमें शॉर्ट टेक्स्ट, ठीक है। और शॉर्ट टेक्स्ट रखने के बाद क्या करना है, आप चाहे तो नंबर भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यहां पर नंबर भी दिया जा सकता है, तो ये नंबर ही रख लेते हैं, ठीक है। नंबर रखने के बाद यहां पर करेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट, सेम चीज नेम ऑफ स्टूडेंट, लेकिन स्टूडेंट का नाम अलग रहेगा, रोल नंबर यहाँ पर अलग रहेगा। तो ये कर दिया हमने, और ये करने के बाद यहाँ शॉर्ट टेक्स्ट करके और यहाँ से व्यू पे क्लिक करके और यहाँ से यस कर देंगे। तो जैसे ही यस करेंगे तो आपको यहाँ पर जीरो दिखाई दे रहा है रोल नंबर, तो यहाँ पर हम रोल नंबर अकॉर्डिंग टू अस फिल करेंगे, या 1001 कर देते हैं, ठीक है। और नेम ऑफ स्टूडेंट कर देते हैं, एक यहाँ पे डाल दिया मैंने ईशा, ठीक है। फिर यहाँ पर आते हैं 1002 कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं अभी जोया, एक और नाम लिख दिया हमने। फिर यहाँ पे 1004 करेंगे और यहाँ पे अगला नाम कर देते हैं पूजा, यहाँ पे 1005 कर देते हैं, अगला नाम कर देते हैं शिखा, ठीक है। इसी तरीके से आगे भी करते चले जाएंगे। तो ये हमारा हो गया, अब इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ से सेव करने के बाद इसको क्लोज कर लिया दिया हमने। अब आप देखेंगे कि दो टेबल हमारे पास आ गए। अब हम इसके लिए अपेंड क्वेरी बनाएंगे। अपेंड क्वेरी कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे और ये क्वेरी डिजाइन जो दिख रहा है बस इसी पे क्लिक कर दीजिए। तो ये जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से ओपन होगा, डिजाइन पे आ जाइए, आ गए क्वेरी डिजाइन पर। अब यहां पर क्या करेंगे, हम क्लास 10 का जो डिटेल है वो क्लास 12 में लेके आएंगे, समझ रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें अपेंड पे क्लिक करना है, ये जो अपेंड दिया हुआ है ना इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पहले क्लास 10th कर देते हैं, ये क्लास 10th कर दिया और फिर अपेंड करवाएंगे, अपेंड आ गया, ठीक है। तो इसका डेटा किस में अपेंड करवाएंगे, क्लास 12th में अपेंड करवाएंगे, तो बस यहाँ से ओके कर दीजिए। अब जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है क्लास 10th, देख सकते हैं। तो यहाँ क्लास 10th का रोल नंबर हम क्लास 12th में लेके आएंगे, किसमें, क्लास 12th में। तो यहाँ देखिए नीचे क्लास 12th आ भी रहा है, तो ये 12th हो गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ आइए, यहाँ भी क्लास 10th का जो नेम ऑफ स्टूडेंट है वो हम क्लास 12th में लेके आएंगे। देखिए नीचे क्लास 12th आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, तो बस ये हो गया काम हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली यहाँ से रन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे तो कह रहा है कि आप 6 रो को अपेंड करने जा रहे हैं, तो करिए ना, यस कर दीजिए, यस कर दिया। अभी चलते हैं 12th वाले टेबल पर, ठीक है, और यहां से ओपन कर देते हैं इसको। तो जैसे ही ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी रोल नंबर क्लास 12th के भी थे वो भी इसमें ऐड हो गए हैं। तो जब भी आपको इस तरह का एक बनाना हो, डेटाबेस में कुछ ऐसे चेंजेस लाने हो, तो आप इस तरह की चीजों का यूज कर सकते हैं। अपेंड क्वेरी काफी फायदे वाली है और जब बड़ा डेटाबेस आप बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, तो उसमें आपको ये काफी काम करती है। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी अपेंड क्वेरी वाली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।